इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली कनेक्ट। जो भी इस गाड़ी को देखता है वो एक बार जरूर कहता है कि भाई यार देखने में बड़ी सोनी लग रही है भाई। हाय 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 हाय, इंटीरियर देखते ही मजा आता है। ये बहुत अच्छी चीज है भाई, इसमें आपका चालान नहीं कटेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल डी कास्ट इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डी एस बेस्ट। भाई ये जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, आप कह रहे होंगे भाई ये गाड़ी तो हमने देखी लग रही है, लेकिन इसके थोड़े से डिजाइन अलग लग रहे हैं और ग्राफिक्स थोड़े से अलग लग रहे हैं। गाड़ी भाई जरूर आपने देखी है, ये गाड़ी है जो हमारे सामने खड़ी है, सोनेट का HTX वेरियंट यहाँ पे खड़ा है, यानी इसका सेकंड टॉप वेरियंट इसे यहाँ पे कहते हैं। पेट्रोल और डीजल में दोनों आता है। जैसे आपने पहले देखा होगा कि किया ने सेल्टोस में एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया था, यहाँ पे सोनेट में भी इन्होंने एक एडिशन लॉन्च किया है का नाम इन्होंने रखा है ऑरॉक्स। ये देखिए ऑरॉक्स की बैजिंग भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसमें आप देखेंगे बीच में बुल का साइन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जैसे रॉक का लोगो एक आता था ना, सेम वैसा ही शाइन दे रखा है। और गाड़ी के लुक्स के हिसाब से काफी मैच भी करता है भाई, और ब्लैक कलर में तो काफी सूट भी करता है। तो डिटेल से बात करेंगे आज इस गाड़ी के बारे में, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ और बात करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले फ्रंट में खड़े तो भाई बात करेंगे इसकी चौड़ाई की, इतनी चौड़ी है। तो यहाँ पे आपको जो इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिलती है, वो 1790 mm की ओवरऑल विड्थ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सेंटर में किया का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रिल पोर्शन में भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पियानो फिनिशिंग में आपको पूरा ग्रिल पोर्शन देखने के लिए मिलता है। और नीचे से आपको क्रोम का स्ट्रिप भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को एनहेंस करता है। नीचे वाले बंपर पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ्यूजर वाला पार्ट भी देखने के लिए मिल जाता है सिल्वर कलर में, और बीच बीच में आपको पियानो फिनिशिंग का इंसर्ट भी यहाँ पे मिलता है, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को एनहेंस करता है। हेडलैम्प सेक्शन में चलेंगे तो भाई यहाँ पे आपको जो उसका हेडलैम्प सेक्शन मिलता है वो पूरा LED सेटअप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आपको LED में ही हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लिंकर से आपको मिल रहे हैं, LED में मिल रहे हैं, और यहीं पे आपका डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे से जो फॉग लैंप्स मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो आपको हैलोजन में यहाँ पे मिलते हैं गाड़ी में। भाई जो वेरियंट खड़ा है वो HTX वेरियंट हमारे सामने खड़ा है, डीजल वेरियंट हमारे सामने खड़ा है। एक्सशोरूम वैल्यू की बात करूं तो 12,65,000 रुपए का एक्सशोरूम यहाँ पे आपको गाड़ी का देखने के लिए मिलता है। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 14,75,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ती है। भाई ऑन रोड हमेशा वेरी करेंगे, डिपेंड ऑन योर स्टेट। भाई फ्रंट तो ऑलमोस्ट कवर हुआ, चलते साइड पोर्शन से देखने में भाई गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। जितनी सुंदर फ्रंट से लगती है उतनी सुंदर आपको साइड से भी देखने में लगती है। अब भाई साइड से खड़े हैं, लंबाई की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो गाड़ी की ओवरऑल लेंथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है वो 3995 mm की ओवरऑल लेंथ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। टायर भाई टायर भी अपनी तरफ एक्ट्रैक्ट करें तो टायरों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉयज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में। अपोलो के टायर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे 215/60R16 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एलॉय व्हील के बीच में आपको किया का लोगो मिल जाता है, जिसके आउटर में भी आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर का इंसर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, प्लस फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर फेंडर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको IMT की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको क्लच देखने के लिए ही नहीं मिलता। ORVM सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे आपको LED में टर्न इंडिकेटर्स ORVM में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे रनिंग बोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सिल्वर कलर का पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है, जो गाड़ी के लुक्स को काफी एग्रेसिव और स्मार्ट बनाता है। ऑरेंज कलर की स्ट्रिप भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है ऊपर से। फिर यहाँ पे डोर हैंडल देखेंगे तो ये भी आपको क्रोम इंसर्ट में देखने के लिए मिलते हैं, स्मार्ट की एंट्री का बटन यहीं पे आपको डोर हैंडल्स में आ जाता है। यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको रूफ रेल सिल्वर और ब्लैक पैटर्न में देखने के लिए मिलती है। रियर टायर्स में अगर बात करेंगे तो रियर टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलते हैं। पीछे की साइड चलते हैं, भाई पीछे से कैसा लुक आता है? तो भाई पीछे से गाड़ी का देखने में लुक आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, जितनी सुंदर आगे से उतनी सुंदर पीछे से भी आपको मिलती है देखने के लिए। यहाँ सेंटर में देखेंगे तो किया का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वही सैटिन फिनिशिंग में। यहीं पे देखेंगे तो आपको रिवर्स कैमरे का पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको केवल डिफॉगर मिलता है, हैमोन स्टॉप लाइट मिलती है, वाइपर और वॉशर नहीं मिलता। आपको शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पे गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। सोनेट की बैजिंग यहाँ पे आपको आ जाएगी गाड़ी में। पीछे से भी देखते तो यहाँ पे भी आपको रियर में डिफ्यूजर देखने के लिए मिल जाता है, और ऑरेंज कलर के इंसर्ट भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को एनहेंस करते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वाला पार्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, और इस गाड़ी में आपको 2 points में पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं गाड़ी में। यहाँ पे टेल लैंप के सेक्शन में देखेंगे तो टेल लैंप आपको यहाँ पे पूरा LED में सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये जो है भैया ये आपको क्यूब्स टाइप में, ये आपके पूरे LED में है, जब जलते हैं ना तब बहुत सुंदर लगते हैं, पीछे से लुक्स और इनहेंस हो जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है हैलोजन में, यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बूट की बात करेंगे, भाई बूट कितना मिलता है गाड़ी में? तो भाई बूट आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, लाजवाब बूट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 392 liter का बूट स्पेस यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको बूट लैंप भी आ जाता है गाड़ी में। फिर स्टेपनी की बात करेंगे तो स्टेपनी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में कुछ इस तरीके से। स्टील व्हील में आपको स्टेपनी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे पार्शल ट्रे का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाड़ी में, और इमरजेंसी एग्जिट का फंक्शन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। बूट को करते हैं बंद, बूट में इतना ही कुछ।
को ड्राइवर साइड चलते हैं। तो भाई को ड्राइवर साइड आप जब गाड़ी को देखते हैं तो भाई गाड़ी का लुक सेम वैसे ही आता है, लेकिन को ड्राइवर साइड में आपको देखने के लिए मिलता है इसका फ्यूल टैंक का फिलर। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देता है और माइलेज भी जो गाड़ी देती है ना वो डबल डिजिट में माइलेज आपको निकाल के देती है। तो भाई पूरा ओवरऑल एक्सटीरियर तो हुआ कवर, चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी के अंदर कैसा फील होता है, गाड़ी के अंदर जाने के लिए चाहिए हमें भाई चाबी। तो चाबी आपको कुछ इस तरीके से मिलती है किया की, जिसमें आपको चार बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपका एक बूट ओपन का है, एक आपका होल्ड का है जिसमें होल्ड आप करे रहेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको अनलॉकिंग का बटन आता है, यहाँ पे आपको लॉकिंग का बटन आ जाता है। गाड़ी चलिए खोलते हैं। तो भाई जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ना, हाय हाय हाय, डुअल टोन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। यह आपका सॉफ्ट टच में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको साटिन फिनिशिंग का वर्क देखने को मिल जाता है, डोर हैंडल भी साटिन फिनिशिंग में आता है। चार के चार पावर विंडो यहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर लॉकिंग के बटन आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। फिर यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग आ जाती है, यहाँ पे आपको ट्विटर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में। फिर यहाँ पे आपको 2 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अम्ब्रेला पॉकेट भी देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में। फिर इंटीरियर देखिए यार गाड़ी का, आए हाय 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 हाय, इंटीरियर देखते ही मजा आता है यार। मतलब जो कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, व्हाइट ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन, और सीट्स में भी आप देखेंगे तो आपको पूरा फैब्रिक सीट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन आ जाता है, फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है, हुड ओपन करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलिंग का कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाता है। पर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके आउटर में आपको साटिन फिनिशिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाता है। अब भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि भाई कितना स्पेस, कैसा फील आपको बैठ के होता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे पहले भाई हमारे सामने आता है स्टेयरिंग व्हील। भाई यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, फ्लैट बॉटम में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सोनेट की बैजिंग आ जाती है और यहाँ पे साटिन फिनिशिंग का वर्क भी देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो किया की जो बैजिंग आपको देखने के लिए मिलती है, ये भी आपको साटिन फिनिशिंग में देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसके म्यूजिक के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और राइट हैंड साइड में आपको इसके क्लस्टर के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल के बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और राइट हैंड साइड में आपको इसके हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ओनली टिल्ट में ही देखने के लिए मिलता है। क्लस्टर आप देखेंगे तो आपको कुछ देखने के लिए इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए बीच में डिजिटल क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, आउटसाइड से आपको इसके मीटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे आरपीएम मीटर भी देखने के लिए मिल जाता है, स्पीड का यहाँ पे आपको इसके नंबर्स देखने के लिए मिल जाता है, यूरिया लेवल भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसमें कई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे ये देखिए टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में, लाइट्स, बाकी सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं कुछ इस तरीके से। भाई सेंटर कंसोल की तरफ चलेंगे तो भाई कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। भाई सेंटर कंसोल भी इसका देखने में काफी अच्छा यहाँ पे फील कराता है, आपको आउटडेटेड नहीं लगता है बिल्कुल भी। याला पैटर्न देखेंगे तो ये आपको पूरा पियानो फिनिश में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है वो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलते हैं। और म्यूजिक सिस्टम से नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको हैजर्ड लैंप्स के बटन आ जाते हैं देखने के लिए। आपको यहाँ पे सेंटर में एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको साटिन फिनिशिंग का वर्क देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको एक प्लेस आ जाता है जिसमें फोन वगैरह सारी चीज कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक स्पेस आ जाता है जिसमें आप वॉलेट वगैरह भी कैरी कर सकते हैं, कॉइन वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट देखने को मिल जाएगा, एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, एक चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको साटिन फिनिशिंग का वर्क देखने के लिए मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को एनहांस करता है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन में यहाँ पे आपको गियर देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है, आर्मरेस्ट इसका स्लाइडिंग में नहीं मिलता, फिक्स्ड आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको इसके अंदर स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाती है, स्टोरेज काफी अच्छी खासी मिल जाती है आर्मरेस्ट के अंदर। यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोब बॉक्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ठाक ग्लोब बॉक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल आईआरवीएम का फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सनशेड होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, रीडिंग लैंप के ऑप्शन आपको यहाँ पे हैलोजन में आते हैं, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको सनरूफ का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। बात करेंगे हेडरूम स्पेस की, तो भाई जो आपको हेडरूम स्पेस देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। जैसे मेरी हाइट है 5.7 इंच की, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हेडरूम स्पेस है। अब भाई अगर आपकी हाइट 5.8 भी हो, 5.9 भी हो, तो भी आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं, आपको हेडरूम स्पेस की कमी नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी आप इसमें एक बार प्रैक्टिकली बैठ के देखिए कि क्या आपको फील होता है। और सिटिंग पोर्शन भी, सिटिंग कंफर्ट भी आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, कुशनिंग भी आपको काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये तो था इसका फ्रंट का। बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की, रियर सीट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ।
पीछे का दरवाजा खोलते हैं भाई, अरे ये क्या, यहाँ पर तो पूरा रिफ्लेक्शन मिल रहा है लेकिन हाँ आर पार दिख रहा है। अरे रे रे रे, ये बहुत अच्छी चीज है भाई, इसमें आपका चालान नहीं कटेगा, पुलिस बिल्कुल भी नहीं रोकेगी आपको यहाँ पे चालान काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सनशेड कर्टन्स देखने के लिए मिल जाते हैं कंपनी फिटेड। फिर यहाँ पे डोर पैनल देखेंगे सेम एज इट इज वैसा ही मिलता है जैसा आपने फ्रंट डोर देखा था, डुअल कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ पे वही आपको सॉफ्टनेस मिल जा रहा है व्हाइट स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच, साइड इन फिनिशिंग में वही डोर हैंडल आपको देखने को मिल जा रहा है, 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस आ जा रहा है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जा रही है। रियर इंटीरियर देखने में आपको गाड़ी का कुछ इस तरीके से मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। भाई गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, दरवाजा करते हैं बंद, तो भाई मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो भाई सबसे पहले बात करूंगा तो लेग रूम स्पेस अच्छा खासा है, नी रूम स्पेस अच्छा खासा है, जो थोड़ी सी कमी लगी मुझे थाई सपोर्ट में देखने के लिए लगी, लेकिन सीट की कुशनिंग्स आपको काफी अच्छी खासी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर सीट के पीछे कोई भी मैगजीन पॉकेट देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन आपको जो हेडरेस आते हैं वो एडजस्टेबल हेडरेस यहाँ पे दोनों साइड मिलते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में, लेकिन को ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन पॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। रियर में आपको एसी वेंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके आउटर में वही साटन फिनिशिंग का वर्क मिल जाता है, और यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे आपको एक प्लेस मिल जाता है जिसमें आप अपना फोन वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेंटर में देखेंगे तो आपको रीडिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है हैलोजन में। यहाँ पे आपको कोट हैंगर भी देखने के लिए मिल जाएगा गाड़ी में, और जो पीछे के हेडरेस आते हैं वो तीन के तीन एडजस्टेबल हेडरेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक चीज की कमी लगी कि भाई इसमें आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया, आर्मरेस्ट भी देना चाहिए था भाई, गलती कर दी, देना चाहिए था। बाकी अगर बात करेंगे भाई हेडरूम स्पेस की पीछे कितना आता है, तो भाई वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ये देखिए हेडरूम स्पेस मेरे हिसाब से तो बढ़िया है भाई, मेरे हिसाब से तो मैं जिस गाड़ी में बैठता हूँ ना पता नहीं बढ़िया ही हेडरूम स्पेस मिलता है, क्योंकि भाई मेरी हाइट ही 5.7 है यार, क्या करूँ बाकी। लेकिन अगर आप एक बार गाड़ी में बैठ के देखिए, आप केवल इस बिहाव पे गाड़ी में छोड़ दीजिए कि यार आपको बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक बार जब बैठ के देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि भाई हेडरूम स्पेस कितना आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्या कंफर्टेबल राइड आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल रही है, तो उस हिसाब से आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं, वरना इस गाड़ी में तो वैसे किसी चीज की कमी है ही नहीं। तो भाई ये तो था कुछ इसका रियर पोर्शन, अब चलते हैं इसके इंजन वे में, जान लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। ओहो, तो दोस्तों अब मैं आज को इसके इंजन सेक्शन में, अगर इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका 1.5 लीटर का वीजीटी इंजन देखने के लिए मिल जाता है, आईएमटी ट्रांसमिशन में BS6 फेज 2 इंजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें अगर पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 114 bhp की पावर देखने के लिए मिल जाती है, और टॉर्क की बात करेंगे तो भाई 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो पहले से आपका बढ़ाया गया है। पहले जो इसमें टॉर्क आता था वो 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता था, जो इसका नॉर्मल 1.5 लीटर वाला इंजन आता था WGT। ये वीजीटी इंजन है तो इसमें थोड़ा सा इसमें आपका टॉर्क बढ़ा दिया गया है। बाकी अगर बात इसमें ब्रेकिंग्स की तो आपको इसमें ABS, EBD ब्रेक असिस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP जैसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर इंजन की वारंटी की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको जो इंजन की वारंटी मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इस पावर परफॉर्मेंस के साथ ये जो गाड़ी आपको माइलेज निकाल के देती है कंपनी क्लेम में 21.8 km का माइलेज यहाँ पे कंपनी कहती है। बाकी जब आप गाड़ी चलाएंगे डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे भी करता है कि भाई आप कितना माइलेज गेन कर सकते हैं। बाकी नीचे से देखेंगे तो नीचे से कोई कवरिंग आपको यहाँ पे मिल नहीं रही है, ना यहाँ पे आपको इंसुलेशन का पार्ट देखने मिल रहा है। पीछे से हाँ आपको जरूर डैम्पिंग वगैरह की गई है, लेकिन इसका इंजन वैसे ही शांत है, क्योंकि अब तो ये और भी BS6 फेज 2 इंजन आ गया है, तो यहाँ पे आपको इंजन में नॉइस वैसे भी नहीं सुनाई देती है, और केबिन में तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। तो ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं इसका एक फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी इस चमचमाती हुई ब्लैक कलर गाड़ी के बारे में, सोनेट STX वेरिएंट खड़ा है, ऑरोक एडिशन यहाँ पे खड़ा है, गाड़ी का लुक्स देखने में ही बनता है, देखने में ही निखरता है, मतलब यार आंखें हटती नहीं, कितनी बार प्यार करवाएगी क्या ही समझ में नहीं आता। जो भी इस गाड़ी को देखता है वो एक बार जरूर कहता है भाई यार देखने में बड़ी सोनी लगती है, भाई सोनी दे नखरे बड़े सोने लगते हैं। यहाँ पे इस गाड़ी के लिए गाना बड़ा सूट करता है। प्राइस वैल्यू भी ज्यादा नहीं है भाई, 12,65,000 रुपए का एक्सशोरूम आपको जाता है, ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको 14,75,000 रुपए की ऑन रोड पड़ती है। तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में न्यू व्यूवर्स आए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में लाते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।